तो मेरे वीलॉग की शुरुआत होती है मेरे CHSL टीयर 2 के एडमिट कार्ड से। आज की तारीख 9 जनवरी 2022। जैसा कि मौसम विभाग द्वारा बताया गया था कि आज के दिन बारिश होने की संभावना है, वैसे ही आज पूरा दिन बारिश हो रही थी। सुबह से ही मौसम बारिश का था। बाहर रखे गमले में फूल पौधों पर भी बारिश की बूंद जमी हुई थी। सुबह सुबह तारों से भी बारिश की बूंदें सुबह सुबह टपक रही थी। बाहर बालकनी से मौसम का मुआयना करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में गया और मैंने अपने एडमिट कार्ड अपने बैग में जाने की तैयारी के लिए रख लिया और सुबह का नाश्ता करने के लिए चल दिया। नाश्ता करने के बाद मैंने मंदिर से भगवान के चरणों में धोख खाई और आज के दिन के लिए दुआएं मांगी। मौसम को ध्यान में रखते हुए मैं घर से ही अपनी तैयारी करके चला था। मैंने रेनकोट को पैक कर बैग में रख लिया था और साथ ही अपने पिताश्री के लिए भी रेनकोट की जैकेट बैग में पैक कर रख ली थी। मैं अब जाने के लिए तैयार था। एग्ज़ाम के लिए निकलने से पहले मैंने दही और मिश्री ली और अपने माता श्री का आशीर्वाद लिया। एंड आफ्टर वेयरिंग शूज एंड टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय मदर आई वाज रेडी टू गो टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन हॉल। सो आई लेफ्ट फ्रॉम द हाउस आफ्टर दैट। एंड बाय बीइंग अ जुगाड़ू इंडियन आई वोर पॉलीथीन ओवर द शूज एंड पुट अ न्यूज़पेपर ओवर द सीट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट बाय द रेन एंड आई वॉज ऑल सेट टू गो। गली के खड्डे भरे रास्ते और पानी भरे रास्तों से होते हुए मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल की ओर जाने के लिए तैयार था। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कारण कर्फ्यू की वजह से जगह जगह रास्ते में पुलिस की बैरिकेडिंग भी लगी हुई थी। कर्फ्यू के कारण मैंने एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकाली हुई थी, एक अपने बैग में रखी थी और एक अपने पास अपनी जैकेट में रखी थी, ताकि कोई पुलिस वाला रास्ते में रोकता तो मैं उसे एडमिट कार्ड की एक कॉपी दिखाकर वहां से चल सकता था। बारिश के कारण आज आम दिनों से थोड़ी ज़्यादा ठंड थी। आई वॉज क्वाइट एंजॉइंग द मोमेंट वाइल राइडिंग एज अ पाइलेंट राइडर ऑन द बाइक। लाइक आई हैड बीन ट्राइंग फॉर गिविंग CHSL from last about 3 times and in the 4th attempt I was able to clear it. So quite excitement was there for the second tier. रास्ते में हम लोग एक बार पेट्रोल भरवाने के लिए भी रुके थे। जैसे ही टंकी फुल हुई हम अपना सफ़र जारी रखने के लिए तैयार थे। ओमिक्रॉन की वजह से दिल्ली में कर्फ्यू होने के कारण जो रास्ता आमतौर पर भरा रहता था आज वो खाली था। आज उन रास्तों पर बिल्कुल भी जाम नहीं था, किंतु बारिश और टू व्हीलर पर होने के कारण हम अपना सफ़र स्पीड लिमिट और बड़ी ही सावधानी से तय कर रहे थे, क्योंकि बारिश में स्लिप होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। सफ़र थोड़ा लंबा था किंतु हौसला उससे भी ज़्यादा था, और हौसले के साथ साथ इसमें मेरे पिताश्री का साथ और माता का आशीर्वाद था। यमुना नदी को पार करते हुए हम अपने एग्जामिनेशन सेंटर के और नज़दीक जा रहे थे और साथ ही सफ़र का आनंद और लुत्फ़ उठाते हुए भी जा रहे थे। जैसे जैसे एग्जामिनेशन सेंटर गूगल मैप में नज़दीक आ रहा था दिल की धड़कनें थोड़ी थोड़ी तेज़ हो रही थी। एंड फाइनली आफ्टर ट्रेवलिंग अबाउट 35 किलोमीटर्स वी रीच्ड एट द आवर एग्जामिनेशन सेंटर फॉर CHSL टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर। एंड देन माई फादर वेंट टू पार्क द बाइक नियर बाय द एग्जामिनेशन सेंटर एंड मील टाइम आई जस्ट चेंज माई क्लोज विच आई वॉज वियरिंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द रेन। एंड या आई ऑल्सो टेक आउट दोज पॉली बैग्स विच आई वॉज वियरिंग ओवर द शूज टू प्रोटेक्ट द शूज फ्रॉम वॉटर विच आई ऑल्सो टोल्ड यू एज ए जुगाड़ू इंडियन थिंग। The time until I reached the examination center
candidates had started going inside the examination center for their exams. एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करने से पहले मैंने बाहर लगे पर्चे से अपना टिकट नंबर कंफर्म किया और साथ ही अपना रूम नंबर भी कंफर्म किया। रूम नंबर कंफर्म करने के बाद मैं अंदर जाने के लिए तैयार था। टीयर टू डिस्क्रिप्टिव का पेपर लगभग एक घंटे का था। सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक पेपर देने के बाद मैंने वापस अपने जूते पहने और रेनकोट पहनने के बाद मैं घर जाने के लिए तैयार था। एग्जामिनेशन सेंटर से दूर जाते जाते मैं अपने पेपर के बारे में सोच रहा था कि मैंने क्या गलती करी और मैं अगली बार के लिए क्या सही कर सकता हूँ। मैंने एग्ज़ाम में कुछ छोटी छोटी गलतियाँ करी जिनका मैंने एनालाइज किया और मैं उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। सेंटर से चलने के कुछ देर बाद तक तो मौसम ठीक था, पर कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई थी। रास्ते में हम कुछ देर के लिए रुके थे, किंतु उसके बाद हमने फिर से अपना सफ़र जारी कर दिया था। वापसी जाते समय हमने एक बार फिर से यमुना नदी को पार किया। रास्ते में बारिश एक बार फिर से काफ़ी तेज़ हो गई थी, किंतु हमने फिर भी अपना सफ़र जारी रखा और हम अपने घर की ओर चलते गए। कुछ देर बाद बारिश रुक गई थी और मौसम साफ हो गया था और हम अपने घर पहुंचने ही वाले थे। एंड बाय टुडे आई लर्न समथिंग न्यू इन माई लाइफ दैट अ पर्सन नीड टू बी गेट रेडी फॉर वॉट एवर कम्स इन हिज और हर लाइफ। जैसे कि आज ओमिक्रॉन के कारण कर्फ्यू था, बारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपना एग्ज़ाम देने गया, वहाँ समय से पहुँचा, एग्ज़ाम दिया और अपने घर भी वापस आया। Hey, what's up guys? So, now coming to the main part, that what were the questions in the CHSL Tier 2 exam? So, the question paper was comprising of two questions. The question number one was like that, advantages and disadvantages of living in metro cities. Yeah, this was the passage that was given to us. And in Hindi, it was like that, ki mahanagaron mein rehne ke advantage aur disadvantage batane the aapko. Aur word limit thi 250 words. तो ये था क्वेश्चन नंबर वन आपका CHSL। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर टू, आपका था लेटर राइटिंग फॉर्मल। उसके अंदर आप दो नाम दे रखे थे, हेमा और हेमदेव, और आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। इसमें पिन कोड भी दे रखा था, जो उसमें लिखना था लेटर का फॉर्मेट होता है, वो आपको अपना एड्रेस लिखना था। उसके बाद आपको लेटर लिखना था म्यूनिसिपल काउंसिलर को कि आपके एरिया के अंदर स्टे डॉग की क्वांटिटी, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आपके एरिया के अंदर, और उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। और उसकी वर्ड लिमिट थी 150 वर्ड्स। और दोनों क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो आपके आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है उसके अंदर ये दिया हुआ था कि जो वर्ड लिमिट आपकी उससे 10% एक्स्ट्रा चल सकता है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपका पेपर एनालाइज नहीं किया जाएगा, आपका पेपर ही चेक नहीं करा जाएगा, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और मुझे कुछ बातें पता लगी कि CHSL के टीयर 2 के अंदर आपको वॉच भी अलाउड होती है अंदर ले जाने के लिए, और पेन, जैसे LIB का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके अंदर पेन घर से अलाउड नहीं था लेके जाना, बट CHSL के अंदर पेन आप घर से लेके जाना अलाउड होता है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती जितनी CBT 1 के अंदर होती है, क्योंकि उसके अंदर कंप्यूटर होता है तो उसमें चीटिंग होने के चांस ज़्यादा होते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव में सच कोई ऐसा केस नहीं है। सो ऑल ओवर इट वॉज गुड, बट इन सम एरिया आई वॉज लैकिंग कि उसमें आइडियाज़ वर नॉट कमिंग टू माई माइंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं। थोड़ा सा उसमें थॉट प्रोसेस थोड़ा फास्ट होना चाहिए था, उतना एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहा था माइंड पे, तो थोड़ा सा वहाँ थोड़ा लैक कर गया था मैं, अदरवाइज इट वॉज फाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और इस पर कमेंट करना आपको कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो आपको तो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, टेक केयर। What were the questions? Coming to the part, question number 2.